अंग्रेजन भाभी की लंबे हाथ वाली ननंद की मेहंदी। नैना के भाई यश की हल्दी की रस्म चल रही होती है और नैना अपने भाई को हल्दी लगा रही होती है। तभी मनोरमा कहती है, अरे नैना ये तो क्या कर रही है, अरे अपने मनहूस काले लंबे हाथों से क्यों अपने भाई को हल्दी लगा रही है, तुझ से तेरे भाई की खुशियाँ देखी नहीं जा रही क्या, लगता है यह अभागिन अपने भाई की खुशियाँ खा कर ही मानेगी। मनोरमा की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर बेचारी नैना रोते हुए हल्दी की रस्म के बीच से भागकर अकेले में जाकर फूट फूट कर रोती है। तभी कौशल्या उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो मेरी बच्ची, पता नहीं क्यों इस दुनिया से मेरी बच्ची की खुशियां देखी ही नहीं जाती। चुप हो जा नैना। मैं ठीक हूँ माँ, तू मेरी चिंता मत कर, वैसे भी इन तानों की तो अब मुझे आदत हो चुकी है। अगले दिन कौशल्या अपने बेटे यश की मनपसंद से उसकी शादी अंग्रेजन लिली से करके उसे बहू बना कर ले आती है। नैना बेटी आरती की थाली ले आ। जी माँ अभी लाई, ये लीजिए। नैना का अपनी ननंद होने से अनजान दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी लिली कहती है, यश हुई शी? ये मेरी बहन नैना है लिली। What? यश तुम्हारी एक बहन भी थी, तुमने ये बात पहले मुझे बताना क्यों नहीं समझा, जवाब दो यश। लिली को इस तरह से सवाल पूछता देखकर नैना घबरा जाती है और भराई आंखों से अपनी अंग्रेजन भाभी से कहती है, भाभी इसमें भैया की कोई गलती नहीं, मैंने ही उन्हें अपने बारे में आपको बताने के लिए मना किया था। आप तो लाखों में एक हैं भाभी, कमी तो मुझ काली कलूटी लंबे हाथ वाली ननंद में है। मैं जानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मगर कोई बात नहीं, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नो नो आई डिडंट नॉट मीन इट, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी ननंद मिली, बट ये बात मुझसे छुपाया क्यों गया, बताइए सच माँ। माँ को भी मैंने ही मना किया था भाभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे हाथों और काले होने के कारण मेरे यश भैया की खुशियाँ उनसे दूर हों। ओहो मेरी प्यारी ननंद, इस दुनिया का तो काम ही है बातें बनाना, मगर मेरे लिए तुम सबसे स्पेशल गिफ्ट हो, समझी? अपनी अंग्रेजन भाभी के मन में अपने लिए प्यार भरा देखकर नैना की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। लिली भाभी मुझे तो लगा था कि औरों की तरह आप भी मुझे पसंद नहीं करोगी और मेरे लंबे हाथ देखकर मुझसे दूर भागोगी, मुझे कभी नहीं अपनाओगी, मगर भगवान ने मुझ बदनसीब ननंद को आप जैसी भाभी देकर मेरे दामन को खुशियों से भर दिया। ये हुई ना बात, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वागत मेरे लंबे हाथ वाले ननंद के हाथों से हो, करोगी ना मेरा स्वागत? हाँ भाभी जरूर करूंगी। फिर नैना खुशी के साथ अपनी अंग्रेजन भाभी का स्वागत करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक शाम नैना अपनी भाभी के पास आती है, जहां लिली हाथ फैलाकर अपना सूटकेस उतारने की कोशिश कर रही होती है। उठरा उठरा भाभी, अंदर आ जाऊं क्या? आओ ना नैना, देखो ना यश मेरा सूटकेस कितना ऊपर रखकर चले गए हैं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, कब से कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं भाभी मैं उतार देती हूँ। नैना जल्दी से अपने लंबे हाथ बढ़ाकर सूटकेस उतार देती है। ये लीजिए भाभी आपका सूटकेस। क्या बात है मेरी प्यारी ननंद, तुम्हें तो सूटकेस उठाने में एक सेकंड भी नहीं लगा, ब्रिलियंट। अच्छा भाभी माँ ने कहा है शाम को हमें कामिनी आंटी की बेटी मीता की मेहंदी के फंक्शन में जाना है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके मेरी प्यारी ननंद। फिर शाम को कौशल्या अपनी बहू और बेटी के साथ मेहंदी के फंक्शन में जाती है। बेटी की मेहंदी की बहुत बहुत बधाई हो कामिनी जी। थैंक यू सो मच कौशल्या। लिली बहू तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर सभी के साथ मेहंदी लगवाओ। जी आंटी। चलो नैना। लिली बहू तुम्हें मेहंदी लगवानी है तो लगवा लो, मगर मैं तुम्हारी इस लंबे हाथ वाली मनहूस ननंद को अपनी बेटी की शादी की मेहंदी नहीं लगने दे सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की आने वाली खुशियाँ दुख में बदल जाएं। इनाफ कामिनी आंटी, मेरी ननंद के लिए अब एक और वर्ड नहीं बोलना। अरे तुम तो अपनी इस काली कलूटी बैंगन लूटी ननंद के लिए ऐसी अदालत खड़ी कर रही हो जैसे कि ये मिस इंडिया हो। सारी जिंदगी अपनी इस लंबे हाथों वाली मनहूस ननंद के लिए ऐसे ही लोगों से लड़ती फिरना, क्योंकि शादी तो इसकी होने से रही। इस तरह से अमीर घमंड कामिनी रिश्तेदारों और मेहमानों से भरी मेहंदी के फंक्शन के बीच नैना के लंबे हाथों और उसके काले रंग की बहुत बेइज्जती करती है, जिस कारण नैना की आंखें डबडबा जाती हैं। अपनी ननंद की आंखों में आंसू देखकर उसकी अंग्रेजन भाभी गुस्से में भड़कते हुए कामिनी को बहुत सुनाती है। इनफ इज इनफ मिसेस कामिनी, बहुत बोल दिया,
आपने, मगर इस अंग्रेजन भाभी का वादा है कि मैं अपने लंबे हाथों वाली ननंद की शादी एक अच्छे से घर में कराऊंगी। उसकी शादी भी होगी और उसके हाथों में मेहंदी भी लगेगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चलो नैना। अब लिली अपने लंबे हाथों वाली ननंद के लिए शादी के रिश्ते देखना शुरू कर देती है। नैना के लंबे हाथों के कारण रिश्ते वाले उसे ठुकरा देते हैं। लिली भाभी, अब आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दीजिए। शायद आपकी इस ननंद के हाथों में शादी की मेहंदी लगना लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है नैना, भगवान ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है। बट सासुमा, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर नैना के हाथ इतने लंबे क्यों हैं? ये सारी की सारी गलती मेरी ही है लिली बहू। जब नैना मेरे पेट में थी तब ग्रहण लगा हुआ था। मेरी सास ने मुझे ग्रहण में निकलने से मना किया था, मगर मुझे निकलना पड़ा और उसका असर बहुत बुरा हुआ और मेरी फूल जैसी बच्ची पर वो असर पड़ा और जन्म के वक्त से ही इसके हाथ लंबे थे। ये सुनकर लिली अपनी ननंद की शादी के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, डियर गॉड, अगर आपने मेरी ननंद को लंबे हाथ देकर उसे बाकी लोगों से अलग बनाया है तो आपने उसका लाइफ पार्टनर भी बनाया होगा। प्लीज उसे मिला दीजिए। इस तरह से वक्त बीत जाता है और फिर नैना के लिए बहुत ही अच्छी अमीर खानदान से शौर्य का रिश्ता आता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। लीली भाभी, मुझे आपकी नंद बहुत पसंद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी नैना के साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर नैना के चेहरे पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों परिवारों की आपस में सहमति से शादी पक्की हो जाती है। अब कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और आखिरकार नैना की मेहंदी की रस्म का दिन भी आ जाता है। नजर उठाकर खुद को आईने में तो देखो मेरी प्यारी ननंद, कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान करे तुम्हें किसी की नजर न लगे। आज तुम्हारी मेहंदी की रस्म है नैना, और तुम्हारी ये भाभी अपने हाथों से तुम्हें शादी की सुंदर मेहंदी लगाएगी। कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है और नैना की अंग्रेजन भाभी खुशी के साथ उसके दोनों लंबे हाथों पर बहुत ही बढ़िया सी मेहंदी के डिजाइन लगाती है। फाइनली लग गई मेहंदी, देखकर बताओ तो मेरी प्यारी ननंद, कैसी लगाई है मैंने तुम्हारे हाथों पर मेहंदी? नैना अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को निहारते हुए खुशी के आंसू भरी आंखों से कहती है, बहुत ही सुंदर मेहंदी है भाभी। मेरी जिंदगी में ये खुशियों भरा दिन आज सिर्फ आपकी ही वजह से आया है। लिली भाभी, थैंक यू सो मच भाभी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। अब देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और लिली अपनी ननंद को दुल्हन बनाकर बहुत ही खुशी से उसके मेकअप करती है और मंडप में ले जाती है, जहां बड़े ही धूमधाम से नैना की शादी शौर्य के साथ हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननंद, भगवान करे आप तुम्हारी इस नई जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, किसी भी गम का नामो निशान ना हो। आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आखिर में अंग्रेजन भाभी अपने लंबे हाथ वाली ननंद की खुशियों भरी विदाई करती है। वहीं शादी में आई वो सभी औरतें जो कल तक नैना को उसके लंबे हाथों और काले रंग के लिए कोसा करती थीं और ताने दिया करती थीं, वो उसकी जोड़ी को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हुए रह जाती हैं। साथियों, ये इस दुनिया का कड़वा सच है, अगर आप दुखी हैं, बदसूरत दिखते हैं तो भी आपको देखकर बातें बनाएगी, और अगर आप खुश हैं तो भी। इसीलिए किसी की कमजोरी नहीं बनना, बनना ही है तो लिली की तरह किसी की हिम्मत और हौसला बनिए। सुभद्रा का बेटा अनुज अपनी पसंद की सुप्रिया नाम की एक काली लड़की से शादी कर उसे घर में ले आता है, जिसे देखकर सुभद्रा आपत्ति जताती है। अनुज, मैंने तुझे इतना बड़ा इसी दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल के एक काली लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आए। तुझको जात बिरादरी और मेरी नाक का ख्याल भी नहीं रहा, पूरी धरती पर तुझे ये कलूटन ही मिली थी। माँ, अब सुप्रिया मेरी पत्नी बन गई है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको उसे इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माँ जी, बातों का बुरा मत मानिए, ये बस मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओह कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी चार बहनों का ख्याल नहीं आया? अब उनकी शादी कैसे होगी? तूने अपनी पहले कर ली। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उनकी बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा, फिलहाल तो वो हॉस्टल में है। अब तुझसे नाराज होकर भी मैं क्या ही कर लूंगी,
अपनाना तो पड़ेगा ही, तू इसे प्यार जो करता है। आजा बहू, अब शक्ल क्या दिखा रही है, अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? जरूर छूंगी माँ जी। फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए सुप्रिया अपनी सास के पैर छूती है और सुभद्रा उसका गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन से सुप्रिया एक आदर्श बहू की तरह घर के सारे काम करती है, जिससे सुभद्रा बहुत खुश होती है। तूने जिस तरह से आज पहले ही दिन काम कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये बता, मेरे गोरे से बेटे ने तेरे जैसी काली सूरत में ऐसा क्या देखा जो उसने तुझसे प्यार कर लिया? माँ जी, यही तो उनकी खासियत है। उन्होंने मेरी बाहर की रंगत को न देखकर मेरे अंदर के दिल को पहचाना है। हाँ चल, ठीक है, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का मीठा हलवा खाया था ना, इसीलिए मन मीठा मीठा हो रहा है। आप 15 मिनट रुकिए, मैं आपको पुदीने की चटनी से प्याज आलू की भजिया बनाकर खिलाती हूँ। फिर सुप्रिया अपनी सास को भजिए बनाकर खिलाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। दिन गुजरते हैं और चारों गोरी बहनें दरवाजे पर सूटकेस और हाथों में गिफ्ट लेकर खुशी से कहती हैं, मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा भाभी से मिलने के लिए। मेरे हाथों में गिफ्ट है। साक्षी, जरा दरवाजे की बेल बजा। अरे मेरे हाथ में भी, इनफैक्ट हम चारों इतनी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। एक मिनट, मैं सामान नीचे रखती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे हम। साक्षी एक गिफ्ट जमीन पर रखकर डोर बेल बजाती है तो सुप्रिया दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन? मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है, कितनी काली सी है। सुनो माँ और मेरी भाभी को बुलाओ ना। तभी सुप्रिया के कहने पर सुभद्रा बाहर आती है और अपनी चारों बेटियों को देखकर खुश हो जाती है। अरे तुम चारों अचानक कैसे आई, मैं तो बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी से मिलो, ये है तुम्हारी भाभी सुप्रिया। ये सुनकर चारों गोरी ननंद के हाथों से गिफ्ट छूट जाता है। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो, ये नौकरानी जैसी काली सी लड़की भला हमारे भाई की पसंद और हमारी भाभी कैसे हो सकती है? छी, इयो, लगता है इन्हें किसी ने ज्यादा देर काले से तवे पर रख दिया हो, इसीलिए जलकर काली हो गई है। हाँ माँ, ये सब क्या है, हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए इतने खुश थे कि इतने सारे तोहफे लाए थे और भैया ने लव मैरिज भी की है, तो ऐसी काली कलोटी बैंगन जैसी लड़की से। जुबान संभालो तुम चारों, ये तुम्हारी भाभी है। काहे की भाभी, ये तो हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। कहां हम गोरी चिट्टी और कहां ये काली कोयला। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली भाभी से मिलने आए थे। तबा तबा, सारा मूड खराब कर दिया, चलो अपने कमरे में। ये कहकर चारों गोरी ननंद अपने कमरे में चली जाती है। वही ननंद की बात सुन इकलौती भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे सुभद्रा संभालती है। बहू तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में तुम चारों पांचों घुल मिल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अगले दिन सुप्रिया ननंद के कमरे से गुजर रही थी तो शिवानी परेशान करने के लिए अपने पैर को अड़ा देती है, जिसे सुप्रिया गिर पड़ती है और चारों ननंद हंसने लगती हैं। देखो देखो, कल्लो माई तो गिर गई। क्या हुआ भाभी, ज्यादा जोर की लग गई क्या? अच्छा हुआ, ऐसी काली भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर जल्दी से उठिए और आप हमारे लिए पास्ता बनाकर लाइए। हाँ, और साथ में ऑरेंज जूस भी। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद सुप्रिया चारों ननंद के लिए पास्ता और जूस लेकर आती है तो उन्हें मेकअप करता हुआ कहती है, दीदी ये आप कौन सी क्रीम लगा रहे हो, इसे लगाने से मैं भी अच्छी दिखूंगी ना, आप मुझे भी मेकअप करना सिखाओगे ताकि मैं अच्छी लगूं? क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। हाँ तो सीखना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी इस काली सी सूरत पर मेकअप भी कर लोगी तो भी ऐसी ही रहोगी। आई बड़ा लाडो रानी मेकअप लगाने, फोटो यहाँ से। दीदी मानती हो कि मैं काली हूँ, जब भगवान ने ही मुझे काला बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या हम जैसे लोगों की जिंदगी नहीं होती? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ कालेपन के ताने सुनना लिखा है, समझी? ये सुनकर सुप्रिया आंखों में आंसू लिए चली जाती है। वक्त गुजरता है, चारों ननंद अपनी काली भाभी को कालेपन के हमेशा ताने देती रहती थी, तो कभी उसे गिरा दिया करती थी। फिर भी सुप्रिया घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक साल में वो एक प्यारे से सांवले बेटे को जन्म देती है। सास पूजा करने मंदिर गई थी,
इस बीच चारों ननंद की कुछ फ्रेंड्स आती हैं, जिसके बाद वो घर पर किटी पार्टी करती हैं। वाओ यार, क्या मजा आ रहा है तेरी किटी पार्टी में। ऐसे तो तुझे रोज पार्टी करनी चाहिए। तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कुछ कहा था? लाई क्यों नहीं वो अभी तक स्नैक्स? रुक जा, मैं अभी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कितनी देर में खाना लगाओगी या हम सब भूखे मरे यहाँ? बस दीदी, ला रही हूँ। मुन्ना जग गया है, आप उसे थोड़ी देर संभाल लीजिए। ओह गॉड, ठीक है, उसे दे दीजिए। फिर सुप्रिया मुन्ने को साक्षी के हाथ में दे देती है, पर साक्षी ज्यादा देर संभाल नहीं पाती है। ओहो, इस कलूटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया सूसू करके। इसी रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना मेरी किटी पार्टी बर्बाद कर देगा। ये कहकर साक्षी बच्चे को बिस्तर पर लिटा कर आ जाती है, जहाँ वो भीगे कपड़ों में रोता रहता है और सुप्रिया उनकी पार्टी में एक स्नैक सर्व करती है। सभी दोस्तों के जाने के बाद सुप्रिया अपने बच्चे के बारे में पूछती है। दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने तो कहा था आप उसको संभाल लेना, फिर? हे भगवान, मुझे उसके रोने की आवाज आ रही है। कमरे में है वो। फिर सुप्रिया भागती हुई अपने बच्चे के पास जाती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा तप रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में अनुज और सुभद्रा घर पर आ जाते हैं। बच्चा चुप न होने पर सब उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बच्चे को निमोनिया की शिकायत बताता है। और अपने बच्चे की ये हालत देखकर सुप्रिया ननंद से कहती है, देखिए ना, आप चारों की लापरवाही से मेरे छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया है। अरे, आपको दुश्मनी मुझसे निकालनी थी तो मुझे मार लेती, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपके कहने पर आपका सारा काम किया, आपके गेस्ट को संभाला और आपने क्या? तुम चारों के पास मुन्ना था और तुमने उसे गीला छोड़ दिया। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। मेरे छोटे से बच्चे के साथ तुम चारों ने ये किया है। आज तुम्हारी वजह से वो इतना तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया, तुम चारों को मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना, हम तीनों घर छोड़कर चले जाएंगे अम्मा। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया, भाभी माफ कर दीजिए, हमें अकल आ गई है कि इंसान का रंग रूप नहीं, दिल अच्छा होने चाहिए, जो हम चारों ननंद का है नहीं, वरना ऐसा नहीं करते जो आज हुआ। हम जारों को अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज भैया भाभी, रुक जाइए। सुनो जी, इनको माफ कर दो। ठीक है। इस तरह चारों ननंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुन्ने का बहुत ख्याल रखती हैं। कुछ ही दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है और ननंद भाभी के बीच प्यार की नोकझोंक शुरू हो जाती है।